हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने जा रही है लवली इनू कॉइन के बारे में, क्योंकि लवली इनू कॉइन के बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट्स वगैरह निकल के आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके मार्केट के हवाले से हमें डंप देखने को मिल रहा है, तकरीबन बहुत बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। तो सारी बात होगी आज इस वीडियो में हमारे लवली इनू कॉइन के बारे में, क्योंकि ये सबका फेवरेट कॉइन है, स्पेशल हमारे इंडियन से उनका फेवरेट कॉइन है। सारी दुनिया अब इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो क्यों ना आज इसके हवाले से कुछ बातें की जाए। काफ़ी दिनों से मैंने इसके हवाले से वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लवली इनू का जिक्र किया जाए। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी करूंगा, क्योंकि किसी वजह से मैं मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन खैर है, सॉरी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर पाया, लैपटॉप पे नहीं कर पाया। तो खैर है, हम यहाँ पे सारी डिटेल्स जानेंगे, सारी कोशिश करेंगे कि अब हमें क्या दिखाई दे रहा है लवली इनू में। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बने, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े प्यार से कहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। और ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लवली इनू की टीम के पास, लवली इनू के पास ये वीडियो पहुंचे, जो इनके होल्डर्स हैं वो सारे ये वीडियो देखें। तो जल्दी जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर फीडबैक नहीं दे सकते तो कम से कम कमेंट में ये तो जरूर लिखना है कि होल्ड इज गोल्ड। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जैसे हम वीडियो में आते हैं, तो हमारे पहले अगर coincheckup.com पे अगर हम इसका देखें, तो हमें तकरीबन मार्केट के ऊपर आप देखें तो 1.94 ट्रिलियन का दिखाई दे रहा है, उसमें तकरीबन 1.5% इंक्रीज देख रहे हैं। और 24 घंटों के हिसाब से हम देखें तो 286.27 बिलियन का देखें, जो तकरीबन हमें माइनस पे दिखाई दे रहा है, -8.98%। लेकिन हमें बात करनी है लवली इनू के बारे में। इससे पहले कि मैं लवली इनू के पास चलूँ, मैं आपको इस पर सारी मार्केट की एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी डंप पे थी। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ये जो वीक था वो मार्केट के लिए बहुत स्टेबल नहीं था। जो एडा कॉइन जो तकरीबन $2-3 तक पहुंचने वाला था, उसमें भी हमें बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस में हमें तकरीबन -2% देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 30 दिन में ये गिर गया है। ये एडा कॉइन भी हमारा -9.7 गया है, 14 दिन में ये -11.8 गया है, 7 डे में -2.8, और 24 घंटों में ये तकरीबन -2.3%। यानी इतना बड़ा कॉइन भी डाउन गया है। अगर हम BTC की बात करें, जो मेन कॉइन है, तो उसमें भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबलिश लग रही है, लेकिन आप लास्ट वीक, क्योंकि ये क्रिप्टो के हवाले से बहुत बड़ा वीक था, आप देख सकते हैं कि 30 दिन में 6% माइनस गया है, 14 डेज में 3%, और 7 डे में -9% गया है। ये एक बड़ा डंप है 7 डेज के हिसाब से। क्योंकि अगर हम इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम में भी हमें यही चक्कर मिल रहा है। आप देख सकते हैं अभी कुछ मार्केट ग्रीन रन में चल रही है, अभी कुछ बुल रन में गई है मार्केट। लेकिन अगर हम बात करें तो वही 30 दिन, 14 दिन और 7 दिन, उसमें हमें सिर्फ लाल लाइन नज़र आ रही है, 1.8, 7.1, 11.4। ये इतना बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। और BNB की बात करें तो BNB भी वही सारा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि बाइनेंस की एक बड़ी एक्सचेंज है, उनके कॉइनों में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। तकरीबन 30 दिन में -27.2% गया है, और 14 दिनों में तकरीबन 13.8, 7 डेज में -15.2%, और अभी 24 घंटों में तकरीबन -1.3% गया। ये हमें बहुत बड़ा डंप देखने को मिला है इस वीक मार्केट में। अब मैं सारे कॉइन्स का आपको एनालिसिस तो नहीं करके दिखा रहा है, मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका कॉइन भी डाउन गया है तो इसमें सारी मार्केट डाउन थी। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लवली इनू भी हमें 24 घंटों में -9.69% अभी मिला है, और तकरीबन 7 डे में हमें तकरीबन -14.69% मिला है। इसकी करंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0.000019 चल रही है। ये बहुत बड़ी कम वैल्यू, क्योंकि इसका अगर हमने जो उम्मीदें लगाई हुई थी इसकी बढ़ने के हिसाब से, तो ये हमें तकरीबन 90-80 तक देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, इसमें हमें इतना बड़ा पंप नहीं देखने मिला। क्योंकि अगर आप देखें ऑल टाइम हाई के हवाले से आप देखें, तो इसमें तकरीबन -78.29% हमें ऑल टाइम हाई से तकरीबन डाउन मिला, क्योंकि ये तकरीबन था 0.000000888 तक पहुंच गया था। लेकिन अब फिर भी हमें इसको इतना बड़ा डंप देखने को मिला, ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। अगर लवली इनू का अगर हम हवर के चार्ट के हिसाब से देखें, तो हमें कुछ ग्रीन रन देखने को मिल रही है। अगर अब आप बात करें इसके ट्विटर के हवाले से, आप देखेंगे इसमें हमें कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि इनका हाइडियस जो कॉइन था, जो इनका मेन सपोर्टिव टोकन था, हाइडियस विल लिस्टेड ऑन बिटमार्ट ऑन 5 AM सेप्टेम्बर 5 AM को, ये तकरीबन सेप्टेम्बर 27 को ये लिस्ट किया जाएगा बाय बिटमार्ट पे। उसके बाद है ये इसकी काम की चीज़ें निकल के आती है, टू सेलिब्रेट द लिस्टिंग ऑफ हाइडस वी आर गिविंग अवे तकरीबन 8000000 समथिंग हाइडस टू अवर हाइडस बाय एंड अर्न ऑन ट्रेडिंग कॉम्पिटेटिव इवेंट। अगर इसके हम इवेंट की न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ,
लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, यह देखो इन लवली इनू के फाइनल तकरीबन 100K सपोर्टर्स हो गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि किसी भी कॉइन का इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा सपोर्टर नहीं मिलते, और हमारी जो लवली इनू हैं उन्हें कम टाइम में इतने बड़े सपोर्टर्स मिले, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। अभी भी ये अपने विजन पर अटके हुए हैं, ये कह रहे हैं भाई हमें 0.00001 डॉलर से लेके हमें तकरीबन $1 तक लेके आना है इस साल लवली इनू को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। और इनके डॉक्टर स्कल के हवाले से भी कुछ ट्वीट्स निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी हमारा डॉटल इस डॉक्टर स्कल इनका टॉपिक नहीं। अभी देख सकते हैं अभी इनकी सप्लाई भी बहुत कम बची है, तकरीबन 70 ट्रिलियन इनकी सप्लाई पहुंची है तकरीबन। अब आप देख सकते हैं कि 21 मई को भी इनकी बर्निंग हुई थी, सॉरी सितंबर को भी इनकी बर्निंग हुई थी, अब अक्टूबर के महीने में एक और बर्निंग है, उसके बाद नवंबर में भी हमें एक और बर्निंग देखने को मिल रही है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ, जो हमारा आर्टिकल जो निकल के आ रहा था इसके हाइजेस के हवाले से, हम थोड़ा उसको देखने के हाइजेस लिस्टिंग डबल बेनिफिट्स टू हाइजेस प्राइस। हाइजेस हमें क्या डबल बेनिफिट का प्राइस दे रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि 27 सितंबर को 5 AM को ये लिस्ट हो रहा है और इसका एक कॉम्पिटिशन इवेंट हो रहा है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, बाय एंड अर्न, जितना आप बाय करोगे उतना आप अर्न करोगे। द फर्स्ट 1000 यूजर्स वो बाय हाइजेस ग्रेटर देन इक्यू आर इक्वल टू 3300 USD ऑफ हाइजेस विल बी एलिजिबल टू रिसीव 40000। ओके, यानी अगर जो यूज़र पहले 1000 यूज़र जो तकरीबन $300 के लगभग वो हाइजेस कॉइन बाय करते हैं, उसको इतना रिसीव मिलेगा एज ए रिवार्ड, कितना 4000000 इतने अमाउंट में उसे हाइजेस कॉइन मिलेंगे। ये बड़े मकदार में ये हमें डोनेशन दे रहे हैं, बड़े मकदार में हमें इतना बड़ा गिव अवे दे रहे हैं, इतने कॉइन कौन देता है आप थोड़ा सोचिए। और यूजर्स विल बी रैंक इन टर्म्स ऑफ द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम बाय एंड सेल ऑफ द टॉप 50 यूजर्स विद द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम विल बी रिवार्डेड टू कोरेस्पॉन्डिंग। अगर जो टॉप बाय करेंगे उसमें जो टॉप 50 यूजर्स होंगे जिन्होंने ज़्यादा बाय किया होगा उनको इतना इतना रिवार्ड मिलेगा। फर्स्ट पोजीशन वाले को 56 और उसके बाद आप जीरो गेन कर लें, उसके बाद टू सेकंड वाले को मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा, फोर्थ 10 वाले को 12 मिलेगा, उसके बाद मतलब इतने इतने रिवार्ड्स इनको मिलते जाएंगे। लेकिन इन पर आप कुछ बातें हैं वो नोट करने की है, कह रहे हैं टू बाय इवेंट टू सॉरी द बाय एंड इवेंट अर्न इवेंट विल बी ओनली फॉर द फर्स्ट 1000, यानी आप पहले 1000 यूजर्स के लिए ये इवेंट होगा। अगर आप उसके बाद में आते तो आपको किसी भी किस्म का कोई कॉइन नहीं मिलने वाला। ये थी कुछ अपडेट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कम से कम कमेंट में ये तो लिखें होल्ड इज गोल्ड, और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस।